हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विप्लव है और आप देख रहे हो ईआर इंजीनियर। आज मैं आपको बता रहा हूँ घरों के बोर्ड में वायरिंग कैसे किया जाता है। बोर्डों में रिकॉर्ड मेरे पास, मैंने एक बोर्ड तैयार करके रखा है। चलिए शुरू करता हूँ। ये देख रहा हूँ, ये फ्यूज है, इंडिकेटर है। 300 घंटे का है, 400 घंटे का है, मैंने 3 स्विच लगाया। ये वाला न्यूट्रल है, ये वाला आपका फेज है। तो देख लो यहाँ से फेज आया, क्योंकि फ्यूज लगाएगा। फ्यूज लगने के बाद ये स्विचिंग होगा यहाँ से और सीधा इंडिकेटर को चला जाएगा, तो इंडिकेटर जल जाएगा। ये फ्यूज लगने के बाद इंडिकेटर जलेगा, ठीक है। फिर आपका ये लगने के बाद यहाँ जाएगा लाइन पे, इसकी चालू में फिर मैंने किया हूँ। अब इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ लाइन पे गया, यहाँ गया, हो गया। जब स्विच करेंगे कोई नहीं, ऑफ है, फिर दूंगा, फिर यहाँ से निकल के इसको चला जाएगा। फिर इस पर दूंगा, फिर होगा तो इसको चला जाएगा। फिर इसको स्विच करूँगा तो इन दोनों पर चला जाएगा। मतलब इसमें दबाऊंगा तो इसको भी जाएगा, फिर हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रल देख लो, यहाँ से न्यूट्रल होके पूरा ग्राउंड है, यहाँ से निकल यहाँ पर, यहाँ से जाएगा, यहाँ से पूरा ग्राउंड है। ये मैंने लोहे का तार से बनाया है ग्राउंड, ठीक है। इसको चालू करके दिखाता हूँ आपको। उसके पहले मुझे फ्यूज़ लगाना पड़ेगा, फ्यूज़ मैंने लगाया नहीं है। फ्यूज लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे, मैंने फ्यूज लगा दिया। टीवी चलेगा आपका तो 10 एम्पियर का लगाइए, उससे ज़्यादा मत लगाइए। 10 कॉपर का ज़्यादा एम्पियर मत लगाइए। अब जब का ये कॉपर का है तब ये आप सिल्वर का फ्यूज लगाए, ठीक है। वैसे आप देखे होंगे जो मेन पोल का जो तार होता है वो लोहे का होता है, जो आपके घर में जो कनेक्शन दिया जाता है वो सिल्वर का होता है। वो इसलिए दिया जाता है कि आपके घर में कुछ शॉर्टिंग हो तो आपका सिल्वर का तार ही जले, लोहे का तार ना जले, इसलिए दिया जाता है, ठीक है। अब ज़्यादा एम्पियर का मतलब ये है तो बोर्ड में आपको कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए मैं इसको लगाता हूँ। देख रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ, जल गई। मैं आपको क्या वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। देख रहे हो 250 वोल्टेज ऐसे में लगाया, जिसको मोटर मिल दवाई मोटर आ गया, सूच आ गया। इस तरह से आप वायरिंग कर सकते हो अपने घर पे भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।